वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल डामा साइंस में आप सबकी दोस्त शो की होस्ट डिंपल। गाइस आप सबको गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। आज है गुरु नानक जयंती, है बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है एंड इसी मौके पे मैं जाने वाली हूँ आज गुरुद्वारे, तो पूरा अटायर मैंने उसके लिए ही रेडी किया है। अगर पूरे अटायर की आप पिक्चर्स देखना चाहते हो तो बिल्कुल आप अभी जाके मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जो मेरा पर्सनल पेज है, उसे फॉलो कर सकते हो डिंपल तोलानी के नाम से। अभी जाके आप उसको फॉलो कर लो, वहां पे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं मेरी डेली लाइफ के। तो गाइज आज मैं वीडियो में आपको बताने वाली हूँ वेट गेन की प्रॉब्लम। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसका वेट बढ़ जाता है ना उसका तो मतलब कुछ ना कुछ करके, खाना बंद करके ना वेट कम हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम उनको आती है जिनको करना है वेट गेन। आई पर्सनली नो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, तो आज उसी के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ एक सिंपल सा शेक, सिंपल सा स्मूदी। लेकिन अगर आप खा नहीं सकते हो ना तो प्लीज यार कुछ नहीं हो सकता, वेट नहीं बढ़ सकता। फिर आप सप्लीमेंट्स लेके अपना वेट बढ़ाओ, लेकिन जो नॉर्मल और नेचुरल वेट गेन प्रोसेस होता है उसके लिए आपको खाना भी पड़ेगा, पीना भी पड़ेगा और हेल्दी खाना पड़ेगा। मतलब बिल्कुल खराब वाला फैट और गंदी कैलोरीज नहीं लेनी कि बिल्कुल कहीं से शेप बिगड़ रही है, ऐसा नहीं करना। अगर बिल्कुल ही अच्छे वाला वेट गेन करना चाहते हो एंड परफेक्ट शेप चाहते हो अपनी बॉडी के लिए, तो आपको ये स्मूदी दो टाइम पीना है, सुबह और शाम को। अब आप ले लो एक पेन और कॉपी या फिर अपने दिमाग को कर लो बहुत तेज। आपको अपना वेट याद करना है, जो भी आपका वेट है एक बार अपने माइंड में याद कर लीजिए, उसको इंटू कर दीजिए 24 में। एज सपोज आपका वेट है 40 kg, उसको इंटू कीजिए 24 से, इसका सॉल्यूशन आता है 960। यानी कि जो भी नंबर आता है आपके वेट को कैलकुलेट करने के बाद 24 से इंटू करने के बाद, उतनी कैलोरी से कम अगर लोगे तो बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, फिर आपका फिर वेट और गिर जाएगा। लेकिन जो नंबर आ रहा है उतनी कैलोरीज अगर आप ले रहे हो ना तो आपका वेट मेंटेन रहेगा, यानी कि जो अभी आपका वेट है उतना ही रहेगा, गिरेगा नहीं, मेंटेन रहेगा। लेकिन अब इस सिंपल सी बात है, अगर आप अपना वेट बढ़ाना चाहते हो तो इस जो नंबर आया है उसको आपको बढ़ाना है, यानी कि उससे ज्यादा कैलोरीज लेने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी कैलोरीज के लिए आपको सारी चीजें अपनी डाइट में, अपनी मील में इंक्लूड करनी है। प्रोटीन भी आपको लेना है, फैट भी आपको लेना है, लेकिन और कैलोरीज भी अच्छी खासी आपको गेन करनी है। लेकिन इन सबको एक बार नहीं लेना, आपको दिन में जितनी भी बार आप मील लेते हो, 5 बार लेते हो, 3 बार लेते हो, जितनी भी बार आप मील लेते हो, आपको प्रोटीन भी लेना है, आपको फैट भी लेना है, आपको कार्ब्स भी लेने हैं। लेकिन अब ये ध्यान रखिएगा कि कार्ब्स दो तरीके के होते हैं, अच्छे वाले, फैट जो है वो भी अच्छे वाले। ये नहीं कि आप मक्खन वक्खन खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खाइए। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि कैसे अपनी डाइट को मेंटेन करना है, लेकिन अभी जो आपकी प्रॉपर डाइट है वो आपको कंटिन्यू रखनी है, और जो मैं स्मूदी बनाने वाली हूँ वो आपको दो टाइम जरूर पीना है। तो चलिए गाइस बातें बहुत हो गई, देख लेते हैं स्मूदी कैसे बनेगा। आपको इस स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले लेना है मिल्क। मिल्क का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ये मत सोचिएगा कि दूध से आपका वेट बढ़ने वाला है। दूध का हम सिर्फ इसलिए यूज करने वाले हैं कि इस स्मूदी बनाने के लिए हमें एक बेस चाहिए, इस बेस के लिए हम मिल्क को यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी 200 ml मिल्क आपको लेना है। ये आप डिसाइड करोगे अपने स्मूदी के टेक्सचर से, आपको आपको बहुत डार्क लग रहा है या फिर आपको बहुत गाढ़ा लग रहा है स्मूदी बनने के बाद, तो आप और मिल्क ऐड कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अब इस मिल्क में आपको ऐड करना है 10 बादाम, यानी कि 10 बादाम आपको लेने हैं। 5 लेने हैं आपको काजू, काजू भी आपको बहुत अच्छी तरीके से कार्ब्स देगा और अच्छे से आपका वेट बढ़ाएगा। उसके बाद आपको लेना है अखरोट। अखरोट सबके घर में मिल जाते हैं, नहीं मिलते बेसिक से ड्राई फ्रूट्स में आपको बता रही हूँ, इजीली मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो 5 अखरोट आपको इसमें डालनी है। नेक्स्ट आपको इसमें डालना है काली किशमिश, जो डार्क हम बोलते हैं, 5 काली किशमिश आपको इसमें डालनी है। और लास्ट में हमें ऐड करना है शकरकंदी। शकरकंदी अगर आपको नहीं मिलती इजीली मार्केट में तो आप आलू ले लीजिएगा, पोटैटो ले लीजिएगा, अगर शकरकंदी मिलती है तो वेल गुड है। आपको 2 शकरकंदी या फिर 2 आलू लेने हैं, उनको बॉईल करके मैश करके स्मूदी में डाल लेना है, इनका एक पेस्ट बना लीजिए। और इसमें आप डाल सकते हैं केसर लास्ट में, जब आप इस स्मूदी को बना लेंगे लास्ट में आप इसमें 2 कतरे केसर के डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और स्वीट के लिए टेस्ट के अलावा इसमें हनी डालेंगे, हनी मस्ट बी प्योर। सारे इंग्रेडिएंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।
केसर और हनी ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहो तो। टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे हनी ऐड करवा रही हूँ, केसर क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं, आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। कुछ भी मैं बता रही हूँ तो स्किन का ध्यान कैसे नहीं रखूंगी, तो ये आपकी स्किन को भी हेल्दी रखेगा, ग्लो रखेगा, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपको देगा। ये स्मूदी आप प्रिपेयर कर लीजिए मिक्स करके, एंड अगर गाढ़ा लग रहा है तो दूध और डाल लीजिए। अगर सिंपल है, ईजी है पीने के लिए, आप सुबह एक ग्लास पीजिए और शाम को एक ग्लास पीजिए। शाम को लेट नहीं होना चाहिए आपको, मैक्स टू मैक्स 7 या 8 बजे के अंदर अंदर ये स्मूदी पी लेना है, यानी कि शाम को पी लेना है, लेट नाइट नहीं पीना है। अब ये रेमेडी अगर आप फॉलो करते हो तो पेशेंस रखिएगा, अपनी नॉर्मल डाइट रखिएगा, साथ ही साथ अपना वर्कआउट जो है वो रूटीन में रखिएगा। ऐसा ना हो कि जितना भी फैट या कैलोरीज आप गेन कर रहे हो वो पेट पे टायर बन के आपको दिखने लगे, तो उनको बहुत अच्छे से अपनी बॉडी में शेप पाने के लिए आप अपना वर्कआउट कंटिन्यू रखना है आपको। तो ये रेमेडी जरूर आप फॉलो करना, पेशेंस रखना, डाइट अच्छे से फॉलो करना, स्मूदी रेगुलर पीना 2 से 3 महीने तक, एंड वर्कआउट भी करते रहना। खा नहीं सकते, पी नहीं सकते तो कुछ भी हेल्प नहीं होगी, खाना पीना पड़ेगा तभी वेट गेन होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो लाइक तो जरूर कर देना। अगर किसी को जानते हो तो वेट गेन की प्रॉब्लम से परेशान है, नहीं हो रहा है, तो अब भी उनको ये शेयर कर दीजिए, एंड शेयर करते हो 5 लोगों को तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। सो गाइज आज के लिए बहुत हो गया, एंड मेरी नई वर्कशॉप आ रही है हेयर केयर प्रोडक्ट्स पे, तो वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अगेन मेरा आप इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हो, डर्मा साइंस स्टोर को भी फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, लव यू गाइज, एंड हैप्पी गुरु नानक जयंती। अगर आज के दिन के और आपको ग्लिम्स चाहिए मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए तो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। सो कैच यू देयर, बाय बाय।